साइकिल पर का ईयर तक हम इतना ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी फंसे 10 किलोमीटर की इस ब्रिज की। नया ब्रिज बनाया था गाइज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है मुझे कल जो है हमारी साइकिल की रेस है वो गांधरबल में है, तो मुझे जाना है। पहले मैं जाऊंगा मामा के घर, फिर वहां से निकलूंगा। सुबह 8 बजे पहुंचना वहां, क्योंकि अगर मैं घर से निकलूंगा तो बहुत दूर है। तो गाइज़ जो आप देख सकते हैं, 15 किलोमीटर का सफ़र है अभी, मुझे जाना है वैसे गांधरबल पूरा 15 किलोमीटर लाहौर गांधरबल जाना है। मैं अभी यहाँ से निकला हूँ, 1 किलोमीटर का सफ़र कम्प्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, आगे दिखाऊंगा। मेरा साइकिल यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने उसका ईयरबड वाले टायर का बहुत कम था, इसलिए मैंने इसमें ईयर भी भरवा लिया। चलते कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी फंसे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, और भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। हम रिवर सिंध के पास पहुँच गए, वाई रिवर सिंध। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा इधर देख लिया, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वाइल ब्रिज की, नया ब्रिज बनाया था। यहाँ से जो ब्रिज था ये छोटा है ब्रिज, और ये यहाँ से नया ब्रिज बना रहे हैं। वजह से क्योंकि ये खाली वन वे, ये टू वे ब्रिज नहीं है, इससे दो गाड़ियां नहीं जा सकती, इसलिए दूसरे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, मैंने आपको भी दिखाया ना। तो गाइस पहले भी हम यहाँ से कुछ खाने के लिए लूँगा, बहुत थक भी चुका हूँ, भूख भी लगी है। इसी रास्ते से कल हमारी रेस होने वाली है, यही वो रास्ता है, क्योंकि रास्ता अच्छा है इसलिए यहाँ से रेस करवाते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, अब देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ से, बहुत मज़ा अभी आ रहा है साइकिल पर राइड करना, साइकिल पर राइड करना अलग ही मज़ा। तो गाइस फाइनली पहुँच गए होंगे, 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं अभी पहुंची, 1 घंटा लग गया मुझे।